हम जिद पकड़ेंगे तो हम जिद पकड़ते हैं। ताल का सुर देखा शिव जी के लिए बर मांग लिया कि मेरे प्राण मेरे जब प्राण छूते मेरे अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूते। महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा? आप लोगों ने कथा सुनी थी, महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूते। कौन हो गए थे? जनक बोलो अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया? तारकासुर ने। मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की धर्म महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरु। तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया। तब हाहाकार मचा तब देवता एकत्रित हुए। शिव जी तो समाधि में लीन है। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं। साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरु जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। शंकर भगवान देवता है ना? हाँ। देवाधिदेव महादेव है ना? हाँ। तो अपनी धर्म पत्नी सती के लिए इतने क्यों रोए? हमने कहा मैं तीन लोक में रहता हूं, मेरा देवाधिदेव महादेव। पत्नी का आदर करना सम्मान करना सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवाधिदेव महादेव से सीखो। तो पत्नी का आदर करना, पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया है? हाथ उठा गए हो? ठीक है रखो। शंकर भगवान कहां पर है? जमीन पर। बोलो गए थे? पार्वती जी कहां पर है? जम के बोलो जरा ऊपर। जाओ कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो? शंकर भगवान कहां है? जमीन पर। पार्वती जी कहां है? ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहां रहती है? नारायण के चरण के। ब्रह्माणी कहां रहती है? ब्रह्मा जी के पास। पर केवल देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है? स्त्री का सत्कार क्या होता है? नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं। हम शिव जी से सीखें, हम देवाधिदेव महादेव से सीखें। नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार करें। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिव जी समाधि में लीन हो गए। तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर दे पर दूसरी किससे पर। पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह बीस बीस साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रहे और इसको शादी करने की डाई लगा लिया। सब काला कर पूरा
बड़ी शांति की। कितनी भी पेंटिंग पेंटिंग कर लो उसको पता नहीं पड़ता, विचार करता है कि मैंने शादी करना, बेटी कॉलेज पढ़ रही, बेटा कॉलेज पढ़ रहा, उसको शादी, पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए आते नहीं, भगवान शंकर तब साधना में डूब गए। हमारा शास्त्र करता है धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे, सती के लिए नेत्र बंद करके बैठ गए, हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी, हजारों वर्ष उठना ही नहीं चाहा, क्या करूंगा। और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर www.vyahoshadi.com निकाल ले, ठीक है 68 साल तो मैं भी तो 76 का, तो कोई वाला गीत हो सब लाए फिर
बाकी किताबों में क्या करेंगे, आम की बताएं और मिर्ची का कैसा पूरण बोली में टाइम लगता है आम की और कैसा। अरे बोलो तुम्हें जी जी टाइम लगता है आई है घर में कोई आया भगवान शंकर के रिश्तेदार आए कामदेव को बैठा समाधि तोड़ने के लिए शिव जी ने तो खोल दिए क्योंकि मेरे घर में पत्नी की बहन का पति आया मेरे धर्म पत्नी की बहन का पति आया मेरे तो कालदर्शी कैलाश में विनाशी काम ने खड़े काम जगल कर भस्म हो गया रति रोने लगी मेरा पति शिव जी कहते चिंता मत करो तुम्हारा पति आनंद वैश्य मिलेगा भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त क्यों चिंता पुत्र इन्होंने तो नेत्र खोले पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं मैंने विजय प्राप्त करी पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर भगवान विष्णु नयन में जल भर गया क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी किसी सतगुरु की अगर कोई निंदा करे कोई संत की कोई निंदा करे कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे तो उस समय पर अपने कानों को बंद कर लो रुक के चल लो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो उसको उत्तर जरूर दो कि तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निंदा करने में लगा है निंदा करने में लगी है कभी तो उससे मिला कभी तो उससे नहीं क्यों निंदा करना किसी शिवभक्त की निंदा करना सुनना महापाप की गिनती में। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुनी थी इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा था हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा करने वाला शंकर की निंदा सुनने वाला शिव भक्त की निंदा करने वाला सुनने वाला महापापी की निंदा ना करें। भला किसी का कर न सको तो जम के बुल जला बुरा किसी का मत आप अच्छा नहीं कर सकते कोई बात और बुरा तो ना करिए। अरे तुम क्या जानते हो हम तुम अच्छे से पहचानते हैं बहुत बेकार देखते अच्छा तेरे साथ क्या बेकार कर रहा वो बताओ बहुत बेकार उनके पास तो इतनी गाड़ी आ गई इतना बंगला आ गया इतनी दौलत आ गई इतना धन आ गया इतनी सत्ता आ गई गाड़ी घोड़ा दौलत सत्ता दिख रही है पर उस व्यक्ति ने जो जमीन पैसे धक्के खा खा कर जो आगे बढ़ा उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती कि वो कहां तक मेहनत कितना कहां क्यों बहुत मिलेंगे तुमको शिव की निंदा करने वाले हमें निंदा से मत करना हमें शिव की भक्ति से मतलब रखना है हमें शंकर के गुणगान से मतलब रखना है शंकर के भजन से मतलब रखना है इस बात को छोड़ मेरी जीजियों मेरे जीजाओं मेरी बेटियों मेरे बेटाओं शिव महापुराण की कथा में आप लाखों की संख्या में आए हो आज कथा का चौथा दिन है कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी फिर तजरबा धाम
भिंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 28 तारीख से चालू हो जाएगी, जो 2 तारीख तक चलेगी, फिर 5 तारीख से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी कथा। आप जितने लोग कथा सुनने आए, बस एक निवेदन है, अगर झोली प्रसाद कर आए हो ना, तो इतना सा अपने अंदर याद रखना कि हमें ना तो कभी शंकर की निंदा सुनना है और ना कभी हमें शंकर की निंदा करना है। हमसे बन जाएगा, हम लौटा देंगे। शिव की निंदा नहीं करना। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो शंकर जी की एक कहीं हमें वीडियो भेज दी थी, उसने कहा कि लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए कर दिए, उसकी भी करना कि हम नहीं जानते त्र्यंबकेश्वर के, हम नहीं जानते शिवलिंग। हम कहते हैं जो कहते हैं त्र्यंबक को नहीं जानते, शिवलिंग को नहीं जानते, हम तो ये कहते हैं वो अपने बाप की और माँ की औलाद नहीं है जो त्र्यंबक और शिवलिंग को देखते। अरे भारत की भूमि पर ये 12 ज्योतिर्लिंग जगत गुरु शंकराचार्य